राजस्थान के अंता में पुलिस ने पंडित राधेश्याम शर्मा की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि हत्या के आरोपी दीपक तथा हेमंत ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे जुर्म की दुनिया से प्रभावित होकर अंता की जनता को दहशत फैलाकर डॉन बनना चाहते थे, इसलिए उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि 22 अप्रैल को पंडित राधेश्याम शर्मा अंता में लक्ष्मी नारायण की लड़की के फेरे करवाने गए थे, जहां से रात्रि को वापस लौटते समय रास्ते में पुलिस को घायल अवस्था में मिले, जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते कोटा रेफर किया गया, जहां 28 अप्रैल को मौत हो गई। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद शक होने पर परिजनों द्वारा घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तो उसमें बाइक सवार दो युवक डंडे से पंडित के सिर पर वार करते नजर आए, जिस पर मृतक के परिजनों द्वारा अंता थाने में अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह है कि दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके पिता पंडित राधेश्याम जी वो एक विवाह में अपना जो धार्मिक क्रियाकर्म है वो करवा करके वापस आ रहे थे, तो शुरू में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये समझा गया कि दुर्घटना हुई है, अपनी मोपेड से वो नीचे गिर गए, चोटिल भी हुए। 22 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, पहले अंता और उसके बाद में मैत्रेय अस्पताल कोटा। किसी को शक नहीं था, ये समझा गया कि दुर्घटनावश ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी, मृतक की जो पत्नी थी, उनको इस बात का कुछ अंदेशा रहा, उनके घर में ये सुगबुगाहट रही कि इस तरह से वो नीचे नहीं गिर सकते, तो सीसीटीवी कैमरा इत्यादि को देख करके और ये चीज़ उनको मालूम हुई, दाह संस्कार वगैरह सब करने के पश्चात पता चली कि इसमें जो है दो लड़कों ने, दो युवकों ने मोपेड से जब आ रहे थे तो वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उनके पास एक लाठीनुमा हथियार था, लाठी थी या लोहे का डंडा था, उससे चोट पहुंचाई, जिससे तेज गति से जब वो चल रहे थे दूसरी तरफ से पंडित जी आ रहे थे तो नीचे गिरे और उस प्रकार से चोटिल हुए और तत्पश्चात उपचाराधीन रहकर उनकी जो है वो मृत्यु हुई। सर, ये लाठी की चोट जानबूझ के दी गई या मतलब अनहोनी के रूप में? नहीं, अनहोनी इसको कतई नहीं कहा जा सकता।